वालेकुम जी वेलकम बैक क्या हालचाल है आप सबके दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो खुश हो आबाद हो अपने घर में अपने प्यारों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो तो मैं आ गई हूँ यूके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख़ैरियत के साथ मैं पहुँच गई हूँ और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मैंने शॉल ओढ़ी भी है पहनी हुई है तो यहाँ पे वेदर काफ़ी ठंडा है और जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे थे ना उस टाइम पे तो रात के टाइम बारिश भी हो रही थी पता नहीं क्या था स्टॉर्म आया हुआ था क्या था आई डोंट नो मतलब वो जो पूरा टाइम था ना वो हमने ऐसे ऐसे कांपते हुए गुजारा था और ये वाली शॉल मैं लपेट के मतलब ड्रेस पहन के जो मेरे मैंने पहना हुआ था उसके ऊपर मैंने जैकेट पहन के और ये वाली शॉल मैंने सारी लपेट के और मैंने जो है ना वो टाइम गुजारा था लेकिन बहुत ठंड थी पता है मैं जब स्टार्टिंग में आई थी ना यहाँ पे तो तब मुझे सब कहते थे मरियम आप बीमार क्यों रहती हैं आप हर वक्त बीमार रहती हैं ये वो काफी मुझे क्वेश्चंस आते थे तो जाहिर है हम लोग आप पाकिस्तान से आए थे हालांकि पाकिस्तान में भी मैं इस्लामाबाद में रहती थी कंपैरेटिवली बाकी जगहों से वेदर काफ़ी ठंडा होता है लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे तो बहुत ही ठंड होती है और सेम इसी तरह से फिर जब आप आते हैं ना आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है फिर मैं जब यहाँ के वेदर में एडजस्ट हो गई और फिर उसके बाद मैं एकदम से जुलाई की गर्मी में पाकिस्तान गई तो वहाँ पर मेरा मतलब बुरा ही हाल हो गया क्योंकि

किया तो एलईडी चली गई है या इसके जो है ना सॉफ्टवेयर उड़ गया या बस डेड हो गया डेड ही था एक तरह से तो एक हफ्ते के बाद फिर मैंने इसको रख दिया मैंने कभी एसी वाले ठंडे रूम में पड़ा रहे और उसके बाद फिर जो है ना मैं इसको दोबारा से देखूंगी बल्कि मैं जाने लगी थी ना शॉप पे तो मैंने देखा कि वो ठीक हो गया मतलब मैंने चार्जिंग पे लगा दिया उसको ओवरनाइट लगाया फिर जब मैंने सुबह ऑन किया तो वो ऑन हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ था उसकी वजह से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके मोबाइल में आप यूज़ करते हैं खाली मोबाइल मोबाइल नहीं होता मोबाइल तो और भी आ जाता है लेकिन बहुत सारी आपकी चीज़ें होती हैं तो खैर ये है कि हम मैं आपको अच्छा बता रही थी कहाँ से कहाँ चली गई हूँ तो हमारे मोबाइल्स भी पागल हो गए थे गर्मी में तो यह है कि शुक्र है फिर उस्मान की तो हमने चेंज कराई थी एलईडी सारी मेरा शुक्र है ठीक हो गया था वरना आ, काफ़ी ज़्यादा जो है ना लॉस तो होता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है तो जब वो नहीं बर्दाश्त कर सकते तो हम इंसान भी ज़ाहिर है जितने भी डीट हों हमारी बॉडी पे थोड़ा बहुत तो असर होता है उसका तो ये है कि शुक्र है बस खैर खरीद के साथ टाइम गुजर गया मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से कि अम्मी का काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया तो फिर जब हम यूके आए ना तो यूके में मतलब जब मैं आई हूँ तो अब यहाँ पे ठंड लगती है बॉडी थोड़ी सी वहाँ की गर्मी में ज़रा बर्दाश्त करना शुरू कर कर दिया था स्टार्ट कर दिया था तो अब जब यहाँ आया तो ठंड है यहाँ वैसे काफ़ी ठंड है स्कॉटलैंड में अच्छा आप मैं साथ साथ बताती हूँ इस वजह से कि मुझे क्योंकि मैं व्लॉग्स यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ फेसबुक पे भी करती हूँ तो मुझे सब यही कहते हैं कि नाम उठा के बताया करें जो मेरे नए व्यूवर्स आते हैं तो मैं स्कॉटलैंड में होती हूँ और स्कॉटलैंड में ठंड इंग्लैंड से थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है तो इस वजह से यहाँ पे आके तो सही सर्दी हुई भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे इनके बगैर गुजारा नहीं है और इस बार तो आ, पता नहीं मुझे ऐसे लगता है शायद वैसी गर्मी नहीं आई जो पिछले दो सालों में गर्मी थी ना गर्मियों में मतलब तो थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए आ जाती थी लॉन भी मैंने पिछले साल पहनी उससे पिछले साल भी थोड़ी बहुत थी हो सकता है अगस्त में आ जाए अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है तो खैर यहाँ पे फिर मैंने अभी शॉल ओढ़ ली है इस बार मैं अपनी कुछ शॉल्स भी लेकर आई हूँ ये वाली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट शॉल है ये मुझे मेरी uh, सास ने मदर इन लॉ ने जो है ना दी थी आई थिंक मेरी शादी पे दी थी शायद और ये मैं बहुत 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 प्यार से शौक़ से पहनती हूँ ये मुझे बहुत पसंद है इसका जो ये बॉटल ग्रीन कलर है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है तो खैर चलें जी मैंने वीडियो शुरू की मैं बातें करने लग जाती हूँ आपसे तो चलें जी ब्लॉग का भी स्टार्ट करते हैं और मैंने ना एक्चुअली वीडियोस भी बनानी है अभी कुछ तो इसलिए आप देखेंगे कि मैं तैयार हुई हुई हूँ <laughs> आप कहेंगे इसको कैसी थकावट है ये तैयार होगी बैठिए मैंने एक्चुअली वीडियोज़ बनानी थी तो उसके लिए ना मैं रेडी हो गई तो मैंने कहा चलें जी व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ और उसके अलावा ये देखें ग्लासेस मैंने ये नई बनवाई है आप बताइएगा कैसी लग रही हैं सूट कर रही हैं मेरे साथ या नहीं तीन बनवा के लाई हूँ जिसमें एक ये है तो ये मैंने पहन ली थी फ़ौरन ही क्योंकि आईसाइट मेरी ज़रा ज़्यादा ही वीक हो गई है और जो बाक़ी हैं वो भी मैं आपको इन पहन के दिखाऊँगी एक मैंने वाइट बनवाई है एक ब्लैक बनवाई है और ये बड़ा खूबसूरत सा इसमें पिंक कलर वैसे तो नहीं आता बहुत लाइट सा आपको टीप पिंक सा शेड आता है लेकिन इस तरह की मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और इसमें आप जो ग्लास देखेंगे ना वो मैंने बहुत महंगा वाला लगवाया है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का था क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से ये जो है ना जितनी भी आपकी रेजेज़ होती हैं उससे प्रोटेक्ट करता है तो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए स्पेशली जब आपका काम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बहुत हो आपका लैपटॉप पे मोबाइल पे काम बहुत हो तो इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए खैर जी चलें वीडियो का स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक किया करें बाकी इन शाह अभी आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी दिखाती रहूँगी चीज़ें भी जो कि मैं लेकर आई हूँ कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत जो है वो शेयर कर लूँ कि खुलती जा रही है यूज होती जाएंगी तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला। चले जी ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं सुबह का टाइम है और अभी मुझे उस्मान ने कहा मुझे भूख लग रही है तो नाश्ता मैं बना रही हूँ वैसे तो नाश्ता हर घर में बनता है लेकिन हाँ जब गर्मी होती है जैसे कि पाकिस्तान में आजकल तो बारिशें हो रही हैं लेकिन गर्मी हम जब गए थे तो काफी गर्मी थी और इस्लामाबाद में कंपैरेटिवली मौसम बेहतर था लेकिन यह है कि जब गर्मी होती है फिर ज़ाहिर इस तरह के नाश्ते नहीं किए जाते लेकिन अभी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है और मैं नाश्ता बना रही हूँ तो हस्बैंड को अभी काफ़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा चले मैं रोटी बना के देती हूँ तो थोड़ी सी ग्रॉसरी तो मैं करके लाई थी लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी घर में जो हैं वो नहीं हैं अच्छा उसके अलावा ये है कि आ, हमारी गाड़ी जो है ना यहाँ पे जो बाहर रहते हैं उनको आइडिया होगा उसकी हमने एम करानी थी उसके अलावा थोड़ी सी सेटिंग करानी थी उसके काम भी कराने थे तो वो हमने अभी मकैनिक को देनी थी और ऐसे टाइम नहीं मिलता पाकिस्तान के जो मज़े हैं वो वहीं के होते हैं यहाँ आके चीज़ें बड़ी प्रॉपर चलती हैं बड़ी टाइम टेकिंग होती हैं इवन के डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो या फिर आपकी मकैनिक की अपॉइंटमेंट्स हो कहीं भी हो बहुत टाइम लगता है तो ये सारे काम हमारे अभी यहाँ पर इन चल रहे हैं और चलते रहेंगे यहाँ पे आके अपनी बातें अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट बना के और रोटी बनाई है उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया है उसके ऊपर मैंने ये अंडा डाल के और बस इसी तरह से मैं इसको बना लूँगी तो बस ये है कि हर जगह की अपनी ही अच्छी बातें भी होती हैं और कुछ वहाँ की प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो पाकिस्तान की अपनी बातें हैं यहाँ की अपनी बातें हैं जब यहाँ पे आए हैं तो जाहिर है वहाँ की टेंशनस थी परेशानियाँ थी फीलिंग्स वहाँ की और थी जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की अपनी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं जैसे कि आपको मैंने बताया हमारे गाड़ी का अभी थोड़ा सा काम है एम है वो पूरे साल की आपको सर्टिफिकेट समझे देते हैं आ, उसके अलावा आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो यहाँ पे जैसे इंश्योरेंस आप पे करते हैं रोड टैक्स पे करते हैं उसी तरह गाड़ी की एम भी हर साल होती है तो हम लोग अभी आए हैं तो जस्ट हमारे अभी एक्सपायर हुई तो हमें अभी उसको रिन्यू कराना है तो उससे पहले गाड़ी में जितने भी काम होते हैं वो कराने थे ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमने अभी जो है ना गाड़ी देंगे फिर गाड़ी जब सारी सेट होके आएगी सब कुछ हो जाएगा फिर मैंने बहुत सारे काम जो है ना वो करने हैं अपने तो अभी घर में बस जो चीज़ें हम उन्हीं को चला रहे हैं उन्हीं के साथ गुजारा कर रहे हैं और अभी मैंने आपको दिखाया है अपना घर घर जो है ना वो मेरा आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगा क्योंकि अभी जब मैं आई हूँ तो आ, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उस्मान जो हैं वो बिज़ी हो गए अपनी जॉब में तो इस वजह से बस आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके ही मैं करूँगी लेकिन कोशिश करूँगी मैं कर लूँ कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आपने फ़ौर फ़ौर काम करने हैं थोड़ा सा ना इंसान की बॉडी को इंसान के माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है तो इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है मैं आराम आराम से कर काम जो है ना वो कर लूंगी इनशा ताला आज मेरा बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था कि मैं आलू गोश्त बनाऊं और मैं जब गई थी मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी ली थी आपके साथ शेयर की थी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली जैसे कि धनिया आपको मैंने बताया था कुछ चीज़ें मैं फ्रीज़ करके गई थी तो खैर अब यही चीज़ें हैं कि जो कि मैं गई थी वो तो मैं लेकर आ गई थी लेकिन बाकी मैं इन शाह अब जाऊंगी अब हस्बैंड का ऑफ जब होगा वेट कर रही हूँ कि पूरे वीक के बाद जब वीकेंड आएगा उनका ऑफ होगा तो फिर उनके साथ मैं जाके इन शाली ले आऊंगी अच्छा यहाँ पे जो मैं आई हूँ ना यहाँ पे एक तो पोलन है जैसे पोलन होती है ना वैसे यहाँ पे हे फीवर का काफ़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे पहले भी होता था और अभी भी मैं आई हूँ तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे गले का इशू हो रहा है मुझे ब्रीदिंग का इशू हो रहा है तो थोड़े से मुझे इशू ज़्यादा हो रहे हैं और जिनको ये होता है ना वो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है तो इस वजह से मैं विंडोज़ ज़्यादा ओपन नहीं करती इस वजह से मैं बाहर ज़्यादा जा नहीं सकती हूँ बहुत मजबूरी होती है तो मैं चली जाती हूँ इन दिनों में अदरवाइज़ मैं बहुत अवॉइड करती हूँ तो इसलिए अब वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड का जब ऑफ होगा तो इन शी मैं जाऊँगी तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं साथ, साथ मैं जी खाना भी बना रही हूँ आज मेरा दिल चाह रहा था आलू गोश्त मैं बनाऊँ और आलू गोश्त सिंपल जो है ना वो बना के इंजॉय करें अच्छा आपको मैंने दिखाया था सालन मसाला जो कि अम्मी ने दिया था आज मैंने ये यूज़ किया बहुत मुझे अच्छा लगा बड़ा अच्छा टेस्ट आया तो मैंने इसलिए आपके साथ भी शेयर किया अभी एक्चुअली uh, मैं बर्तन भी लेकर आई हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी खाने पीने की चीज़ें भी जो लाई हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं वॉश कर रही हूँ कंटेनर्स में uh, वॉश कर रही हूँ फिर उनको ड्राई कर रही हूँ फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता सेट कर रही हूँ तो ये काम एक दो दिन का नहीं है तो इसमें टाइम लगेगा किचन भी मेरा इतना बड़ा नहीं है तो किचन जो है ना वो भी uh, मैं साथ साथ काम भी कर रही हूँ कुकिंग भी कर रही हूँ वॉश करके फिर मैं रखती हूँ ड्राई होते हैं फिर रखती हूँ तो खैर ये चीज़ें लगी रहेंगी ये साथ साथ मैं शेयर करती रहूँगी तो मेरा दिन इस तरह से काफ़ी बिज़ी गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से उसका एक फ़ायदा ये होता है कि मैं सारा दिन जब बिजी रहती हूँ तो मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आते ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं आती और अल्हम्दुलिल्लाह से टाइम जो है ना वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है तो ये देखें जी मैंने सारा घर साफ़ किया और हस्बैंड ने आके फिर से कपड़े फेंक दिए और इतना गु़स्सा आता है और मेरी उनसे हर वक्त इसी बात पे बहस हो रही है होती है मैं उनको दिखाती हूँ कि इस तरह करना है यहाँ पे करना है फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ फिर कोई ना कोई ड्रामा यहाँ पे होता है तो खैर ये तो लगा रहता है हस्बैंड जो है ना जितना भी कह दो लेकिन ये लगा ही रहता है उनके साथ तो खैर सालन रेडी हो गया और हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो आपको मैंने बताया इंशाल्लाह जाऊंगी तो लेकर आऊंगी रोटी भी मैंने बना ली है और अभी जो है ना मैं थोड़ा सा सैलड रेडी कर रही हूँ ताकि हस्बैंड को साथ दे दूंगी दही दे देती हूँ सैलेड दे देती हूँ तो इस तरह से जो है ना वो सालन के साथ खा लेते हैं और स्नैक भी मैं जरूर देती हूँ कुछ ना कुछ जो भी मेरे पास रखा होता है वो भी मैं दे देती हूँ तो उनका लंच जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है सारे काम हो गए और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश हो गई और ये मैं यूज़ करती हूँ सीरम अच्छा ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ये मैं यूज़ करती हूँ बस ये ख़त्म ही होने वाला है थोड़ा सा ही रखा हुआ है मेरे बाल जो है ना वो वेवी हैं यहाँ आके दोबारा से आप देखें अभी मुझे आए हुए कितने दिन हुए हैं लेकिन फिर से हेयर फॉल भी मुझे स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पर ये चीज़ होती है ज़्यादा ही लेकिन क्या करें मेरे बहुत सारे हेल्थ के इशूज़ भी चल रहे हैं मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दुआ कीजिएगा अल्लाह तला मेरे साथ जो भी बीमार हैं जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अल्लाह तीस अलफरमाशा दमीन सुम आमीन तो एक ये रीज़न भी है और उसके अलावा वेदर भी है यहाँ पे ठंडा होता है ड्राई वेदर है जिसकी वजह से हम गर्म पानी भी यूज़ करते हैं तो बाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं मुझे डॉक्टर ने मल्टी वाइटमिनस दी हुई हैं तो बस वो भी मेरी इन दिनों में बिल्कुल ही मिस हो रही थी अभी इन शाला वो भी मैं रेगुलर लूँगी हालाँकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी तो खैर चलें रूटीन पर आते आते थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इन शाला आ जाऊँगी तो बस ये फ्रेश होके अब मैं ये वीडियो एडिट करती हूँ ताकि आप कल देख लें और इन शाला जी आप से मैं कल मुलाकात करूँगी बस अभी मैं खाना खाने लगी हूँ ये मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया और ऑयल हटाया तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया है थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना ख्याल रखिएगा हाफिज़